लिए जस्ट करो। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सोच आप सब लोगों की, मतलब बारी बारी से मुझे तो ये समझ में आया कि हाँ ठीक है हम आर्ट को लेकर देख रहे हैं लेकिन बियॉन्ड जो हम लोग सोच रहे हैं तो वो हमारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सोशली कंट्रीब्यूट करने की जो है वो बात चीज़ जो है वो आ रही है ये तो। और इसमें एट लास्ट जो है वो हम लोग कंक्लूड करेंगे मतलब इस बात को, एट लास्ट जो है वो आपका मैसेज जो है वो क्या होना चाहिए पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो तो कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स को आप क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चों को आर्ट फील्ड के अंदर जाने के लिए मोटिवेट करें या उनको इंस्पायर करें। सो पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके बच्चे को आगे क्या आर्ट फील्ड में क्या इसमें जाने के बाद आगे फ्यूचर क्या है, सो जस्ट लुक अराउंड, आप जो पहन रहे हैं, आपने जो म्यूरल लगाया होगा वॉल पे, जो मेटल का कुछ वर्क होगा आपने घर में सजाया होगा, या एनीथिंग आप बाहर गए होर्डिंग देखा, जो भी एडवर्टाइजिंग चल रही है, आप मूवी देख रहे हैं, पीछे का सेट देख रहे हैं, वो सब सब एक आर्टिस्ट करता है। आप कोई डिवाइस ऑपरेट कर रहे हैं उसका डिजाइन लेके हमें शूट, तो हर एक यूटिलिटी वाइज जो एक डिज़ाइन डाला गया है एक आर्टिस्ट ने, तो ये सब आर्टिस्टिक इस फॉर्म को आप सीरियसली ले, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एक अच्छा करियर है। सो बिलीव। नमस्ते, माय नेम इज महेंद्र नंद किशोर एंड यू आर वेलकम टू द पैनल डिस्कशन of Apni Mati. Today we are having with us four young blood who are from JJ School of Art, Ms. Sanika Sandeep Savant, Roshan Vinod Anvekar and Rohan Vinod Anvekar and Prathamesh Vishwakarma. ये सब अलग अलग, वैसे तो हम लोग ये समझते हैं कि आर्ट और ड्राइंग का मतलब हमारे लिए जो जो एक नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं कि आर्ट और ड्राइंग मतलब सारे लोग एक जैसे ही हैं, बट देन ये चारों जो हैं वो अलग अलग फील्ड के अंदर जो है वो माहिर हैं और आज हम इनसे बात करेंगे आर्ट के फील्ड को लेकर। सबसे पहले मेरा जो सवाल है आप लोगों से कि आज के समय में बच्चे जो है वो जहाँ टारगेट करते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, इवन ये बच्चे जो है वो टीचर बनने को लेकर भी टारगेट नहीं करते। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में स्कूल के बाद में ही आप लोग जो है आप लोग एडमिशन ले लेते हैं, तो हाउ इट हैपन्ड, मतलब हमारे यहाँ तो आर्ट से बच्चे जो है वो जा ही नहीं पाते, एट्थ के बाद उनकी आर्ट जो है बंद हो जाती है, सो व्हाई आर्ट? पहली बात ये कि जैसे एक एक बार फैमिली ऊपर भी डिसाइड करता है कैसा है हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि हम लोग पहले डिसाइड करते मुझे आर्ट फील्ड में है, मुझे खुशी करना है, सिर्फ एन्जॉय करना है, मुझे ऐसा कौन सा जिसका ट्रस्ट नहीं लेना है कि मुझे वो आगे प्रॉब्लम हो जाए। मुझे पेंटिंग के पहले से इंटरेस्ट होता था, अभी भी इंटरेस्ट है उसमें, मुझे क्यूरियस होता है काम करने के लिए, तो मुझे पेरेंट्स ने भी यही दिशा दिखाई कि इस पे जाए। और वैसे ही मैं हमारा 12वीं कंप्लीट हो गया तो जे जे का नाम मैं जानता था, तो उसके लिए अप्लाई करना प्रोसीजर क्या हो गया, जो हम लोगों ने अप्लाई किया जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में, तो उधर मौका मिला, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में मिलते बहुत उधर की एटमोसफियर अलग है, अलग अलग गरीब से गरीब लोग भी आते हैं उधर, मुझे अरे कॉर्नर से अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कॉर्नर ऑल ओवर इंडिया से वो लोग आते हैं, वो एटमोसफियर होता है, वो बड़े बड़े हस्ती उधर से गुजरे हुए, बड़े एम एफ हुसैन होगा, गायतोंडे होंगे, वो एटमोसफियर वो आगे आर्ट के बारे में रूट क्लियर करता है किस टाइप में जाना है। और आर्ट मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंटिंग किया, ऐसा नहीं, एक सोशल को भी अवेयरनेस देना के काम करता है आर्ट फील्ड में। तो एक्चुअली एज ए मुझे तो एक क्यूरियस होता है कि मजा करना है, कुछ तो सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करना है, मैं आर्ट के थ्रू क्या कर सकता हूँ उसके बारे में मैं सोचता हूँ। ऐसे इनका हिसाब से इनका भी अलग अलग है। राइट, और वैसे भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि पहले मैं बचपन में पेंटिंग करता था, जब मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था कि आर्ट क्या है, मगर मुझे पेंटिंग करना ड्रॉ करना पसंद था, जैसे मैं बचपन सब लोग करते हैं, मगर एक्चुअल मुझे आर्ट मतलब समझ में आया कभी जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में गया, क्योंकि मैं जो एटमोसफियर जो था, जो सब लोग आर्टिस्ट होंगे या प्रोफेशनल्स होंगे या जो स्टूडेंट में जो काम करते हैं, जो वो मुझे मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट में बोलना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आर्ट क्या है, किस तरह देखा जाता है, किस तरह कंपोज किया जाता है, क्या होता है, मगर वो एटमोसफियर था, मुझे वो अलगपन भूखा बोल सकते हैं हमें भूखा, वो क्रिएट किया मैं उस भूख को मिटने की कोशिश किया, जो जैसे मैंने वो लोग कैसे कहते उसको इमिट करना, जैसे कॉपी करना कोशिश किया, पेंटिंग करना या चाहे तो क्लब चिटपट में जाके देखना, उस तरह से मुझे और थोड़ा इस फील्ड में भूख बढ़ते गया। वही चीज़ें जो एटमोसफियर बनाता है मैं बोलना चाहता हूँ। आप बोलते हैं कि
किस तरह जो आपने बोला है कि गरीब लोग भी पढ़ते कि नहीं, या बाकी लोग इंटरेस्ट, सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसको इंटरेस्ट है वो कोई किधर भी ढूंढ के जाएगा, वो जाए उस मज़ा लेगा ही। आप हम वो बोल नहीं सकते गरीब आदमी आर्टिस्ट क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, कसम से उसके बाद भूख है, वो किधर भी जाके पिएगा ही वो पानी, वो अपना भूखा छोड़ेगा नहीं। वो मैं बोलेगा सानिका, एक आपसे हम लोग पूछना चाहेंगे, हिंदुस्तान जो है ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जब लड़की पैदा होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए पहले से डिसाइड कर दी जाती है कि ये कहाँ तक पढ़ेगी, इसको कब ससुराल जाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। ऐसे में लड़की का आर्ट फील्ड अडॉप्ट करना और जे जे तक पहुँचना, हाउ इट हैपेंड? एक्चुअली मतलब बचपन से कैसे एग्जाम्स देखे और लाइक ड्राइंग एग्जाम्स देखे, हमेशा अव्वल आती थी और सपोर्ट, मुझे घर से हमेशा सपोर्ट था इस चीज़ के लिए। पर वैसे फैमिली मतलब जब जैसे सब चलते हैं कि लाइक ट्वेल्थ इलेवेंथ साइंस, अगर टेंथ में मार्क्स अच्छे हैं तो इलेवेंथ ट्वेल्थ साइंस, साइंस के बाद होगा MBBS ट्रायल, तो ये छूटता गया वैसे, पर चालू था मेरा ये स्केचिंग एंड ड्राइंग। तो फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ मैंने साइंस किया और एक हादसा हो गया मेरे लाइफ में कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, और वो एक मोमेंट था कि मतलब ऑलमोस्ट लाइफ एंड डेथ का एक थर्ड था, और वो ऐसा क्लिक हुआ मेरे को उस टाइम कि नहीं, आगे अगर मेरा एक लाइफ मिला है तो मैं वही करूँगी जो 100% दे पाऊँ। और ये मेरा डिसीजन था चूज़ करना कि मैं जे जे के लिए इंटरेस्ट दूँगी, मैं यही फील्ड कंटिन्यू करूँगी जो चाहती हूँ। और मेरा पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा हर वक्त, और एक रिस्क था इसमें कि लाइक मतलब मेरे क्लास में ऑलमोस्ट एवरीवन इज इन साइंटिफिक लाइक साइंस फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में है, पर मैं ही एक इस फील्ड में आ गई और मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत डेवलपिंग है ये मेरे स्किल्स को, जिसमें मैं 100% दे सकती हूँ अपना। और जिसमें आप 100% दे पा रहे हो वही चीज़ आपको आगे ले जाती है। अगर आप मतलब मैं जाती, मैं कर सकती थी MBBS, मैं कर सकती थी, कोई इंजीनियर भी आराम से बन सकती थी वो पढ़ के, पर ये कुछ चीज़ अंदर से होती है और वो मुझे आगे ले जाएगी और ले जा रही है, और मैं बहुत खुश हूँ। और लाइक अगर है इच्छा करने की तो आप कर सकते हो वो, और कैसे भी करके करते हो, क्योंकि दैट लाइक दैट्स वेर यू कैन गिव योर 100% एंड एंड प्रथमेश, आपकी हमने जो है वो तारीफ सुनी है, आपका काम भी हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो देखा है, तो लाइक ऐसा ऐसा बोलते हैं किसी, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो पहले कुछ और बन जाते हैं, जैसे पहले वो इंजीनियर बन जाते हैं या वो जो भी है मेडिकल में चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो डॉक्टर है और उसके बाद आर्टिस्ट है, तो वो ये वजह भी बताते हैं कि वो डॉक्टर बना और डॉक्टर बनने के बाद वो आर्टिस्ट बना, मतलब वो भी कहीं उसके काम में आया, जबकि हम लोग उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि एक्चुअल में तो वो आर्टिस्ट ही था, ही इज वेस्टेड हिज 4-5 years बिकमिंग अ डॉक्टर, बीच में कहीं आ गया था। तो लाइक आपके अंदर जो है वो चीज पहले से थी, है ना, और आपके साथ ये दुर्घटना नहीं हुई कि आपने कहीं 3-4 साल कहीं वेस्ट कर दिया, तो हाउ इट हैपेंड यू टू बिकम एन आर्टिस्ट? ओके, आई मीन लाइक एज ही सेड कि टर्निंग पॉइंट, सी माई लाइक मेरा 12th कंप्लीट हुआ, कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली एज अ सिरामिक आर्टिस्ट के लिए मैं अप्लाई करूँगा, एंड सडनली विद द गॉड ग्रेस कि मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि प्रथमेश यू कुड ट्राई जे जे स्कूल ऑफ आर्ट इज वेरी वेल नोन, और बचपन से ही आदत था कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, समथिंग लाइक करना, और बहुत अप्रिशिएशन मिलता था, एंड एक बार अप्रिशिएशन मिल जाता था आप भूखे हो जाते हो कि लाइक आप कुछ और करो, लोगों को दिखाओ कि लाइक ओके मेरे में एबिलिटी और है, मैं और कुछ बेटर आपको दिखा सकता हूँ। वो क्रेव एक बार आ जाता है ना आपके पास कि मुझे अपना 100% देना है, देन वैसे किया, एंड मेरा बीए में एडमिशन हो भी गया था, मेरा ओके लेट्स टेक अ चांस कि फॉर्म फिलअप किया एंड ऑल, रैंक लग गया CET में, कूल अच्छा लगा, एक्साइट मतलब ना वो समथिंग, ये बहुत अलग होता है लाइफ में कि जब आपने कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया रहता है, सडनली समथिंग हैपेंस, एंड ये इंजॉय करने को बहुत मज़ा आता है कि जहाँ पे आप बस चलते जा रहे हो और समथिंग इज हैपनिंग, बट इट्स पॉजिटिव कि जहाँ पे आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा थी कि ये चीज़ हो। जे जे में आए एज अ फ्रेशर, आपने कभी ATD नहीं किया, आपने कभी DPAD लाइक कोई भी आर्ट का लाइक नॉलेज नहीं है, सडनली आप आर्ट स्ट्रीम लाइक आर्ट इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी एंड ऑल करके, एंड सडनली ये फील्ड में आना जहाँ पे आपको बस एक्सप्रेस करना है, ना कि रट्टा मार के आपको बस पेपर लिखना है, लाइक वो एक्सप्रेसिंग, क्योंकि आप 1000 लोग रहो, 1000 के
एक ही मोमेंट पे हजारों चीज उनके दिमाग में चलती रहती है, बट वो एक्सप्रेस करना बहुत कम लोगों को आती है. एक्सप्रेस एज एन आर्टिस्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, बस वो एक्सप्रेस करना है. नो मैटर वो सामने वाला आपको कौन से पर्सपेक्टिव पे ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट वो होता है कि कम्युनिकेट, आप बिना बोले बस एक चीज दिखा के आप एक से कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है. क्योंकि ये चीज ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि ये चीज होनी चाहिए, बस ये हो जाती है. आई मीन नीचे रहिए बस कनेक्ट करने का, एंड मतलब ब्लेस्ड बोल सकते हैं हम अपने आप को कि हम ये चीज भी अभी यहाँ पर है. और कुछ भी हो, फैमिली का सपोर्ट ना रह के, मतलब थैंकफुली मेरे फैमिली का बहुत है एंड यहाँ पर है कि कोई रिग्रेट नहीं. अगर पीछे 20 साल के बाद मैं टर्न होकर भी देखूँ कि नहीं मैंने गलती नहीं की, राइट डिसीजन है मेरा. ऐसा अभी एक्चुअली तो आर्ट फील्ड, एक्चुअली सभी आर्ट, अभी मैं विजुअल आर्ट बोल रहा हूँ कि एक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ऑनेस्टली. अभी इतना खुशी मिलता है ये चीज़ में करने को कि अरे बस दिल खोल के करो, कुछ भी करो. अभी एक अभी 10 लोग है, अभी 10 लोग विजुअल आर्टिस्ट बैठे, एक उनको एक कौन सा भी ऑब्जेक्ट दिखाओ, एक बॉटल दिखाओ, अभी वो बॉटल को मैं उस किस टाइप में विजुअल करूँगा, राइट. अभी ये अलग विजुअल, ये अभी मैं इसको लगूंगा क्या ये बॉटल बहुत खराब दिखा रहा है, मैं ऐसे उसको क्रश करूँगा, ऐसा रखूँगा, मुझे उसको फील आता है हाँ इसको दर्द दिखाना है, इसको हैप्पीनेस दिखा, उसको भर के दिखाएगी ना, वो अपना अपना थॉट उसको प्रेजेंट करेगा. ये सब एक्सप्रेस करना है बस, आप कुछ मजा आता है. तो एक दो चीज जो है वो हम लोगों को कॉमन नजर आ रही है, वो ये कि एक तो आपने जैसे बोला कि आप चारों का जो है वो फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और सेकंड चीज ये कि आप जो भी कर रहे हैं यू आर रियली एंजॉयिंग. लाइक हम लोगों ने ऐसे बोलते हैं ना कि जिसे सोसाइटी में चलता है कोई कि ज्यादा पढ़ाई करेगा तो कलेक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा. लाइक वी हैव सीन मेनी डॉक्टर्स, कलेक्टर्स, एडवोकेट्स जो खुश नहीं, बट रेयरली वी हैव सीन आर्टिस्ट जो खुश नहीं. तो मतलब ये है कि लाइक आप चारों के साथ भी ये चीज भी कॉमन है कि व्हाट यू आर डूइंग यू आर रियली एंजॉयिंग, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं. तो अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स की, जो अब अभी जो स्कूल में हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो किस तरह से आर्ट फील्ड के अंदर एक तो पहले उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और फिर वो किस तरह से आर्ट फील्ड के अंदर जो है वो एंटर करें, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा. अभी आर्ट फील्ड की बोला तो अभी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एक बार पेरेंट्स लोगों का प्रेशर रहता है कि ये बनूँ वो करूँ, पर वो उस चाइल्ड को तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इसमें एबिलिटी मैं कामयाब कर सकता हूँ फील्ड में, उनको भी वो सपोर्ट दिखाना पड़ेगा. और एग्जैक्ट कैसे हो जाता है कि वो कर लेते हैं बाद में उसको खुशी नहीं मिलता है वो फील्ड में, वो ऐसे जी रहे करके जीते. जैसे मेरा भी फैमिली में मेरा भाई है कि वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पर वो खुश नहीं है लाइफ में. वो मुझे क्वेश्चन है तो इतना खुश क्यों रहता है, आके मैं वही पॉइंट में आके रुक गया, खुशी नहीं है. तो ये फील्ड है. अच्छा, तो सानिका आप बताएंगे कि जैसे स्टूडेंट अगर अब टारगेट करता है कि उसको आर्ट के अंदर जो है वो अपना करियर भी बनाना है उसको, या उसको एज ए हॉबी भी उसको मेंटेन करना है, तो वो किस तरह से पॉसिबल है स्टूडेंट के लिए करियर के ऊपर, हमारा पहला सवाल. ओके, तो मतलब इमेजिन लाइक जस्ट एंट्रेंस से. हाँ, मतलब एक स्टूडेंट जो स्कूल में है जो सेट लाइक जो 8th क्लास या 9th क्लास के अंदर. तो हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, स्किल होता है, और वो जिसको एडमायर करता है, जैसे कि जो क्रिकेट में है वो सचिन धोनी वो देखेगा, और मतलब हर बच्चे को पता होता है, मतलब वो तो होता है कहीं तो जिंग होती है कि ये बनना है ऐसा करना है, क्योंकि वो उसमें होता है कहीं ना कहीं. तो फिर ये बस पहचानने की ज़रूरत है कि आप किस में खुश हैं, आप क्या करें, और वो जस्ट सेल्फ एनालाइजेशन टाइप है कि मैं क्या ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं किस में खुश हूँ. कभी कभी रास्ता नहीं दिख सकता, क्योंकि मतलब ऐसे 100 बच्चे हैं जो साइंस की तरफ जाएंगे और माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं डिस्टर्ब नहीं होना है, वही यही करना है सोसाइटी कह रही है, बट वो उसको ढूंढना है पहले कि वो है किस में खुश और उसको फॉलो करना है, और जब वो उसके लिए एफर्ट्स लेगा तो रास्ते आते हैं. मतलब जैसे कि कोई चाहता है तो उसके बारे में हमेशा सर्च करेगा, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी आएगी, पर जस्ट उसको पहचानने की ज़रूरत है वो स्किल वो टैलेंट. और हर बच्चे में होता है, ऐसा है कि लाइक जैसे क्रिकेट हो, कोई सिंगिंग हो, नहीं तो डांसिंग हो, जैसे कि कोई पेंटिंग हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है उसका, बस वो मतलब. और हर फील्ड में मतलब हर टैलेंट का एक फील्ड है, एग्जिस्ट करता है, और उसमें आगे गवर्नमेंट भी सप्लाई मतलब बहुत सपोर्ट करती है, और
मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है डांस में ऊपर कितना कितना डांसिंग कितना आगे ले जाएगा, पेंटिंग कितना आगे ले जाएगा, तो ये ढूंढने की जरूरत है कि कितना आगे ले जाएगा, कितना ले जा चुका है। मतलब अगर जब MF हुसैन का नाम आता है, वो आर्टिस्ट है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं इसी चीज़ से। एक दिन वो भी कहीं तो ड्राइंग कर रहे थे, कहीं स्केचिंग कर रहे थे, सचिन भी कहीं तो गलियों में खेल रहा था जैसे आप खेल रहे हो अभी, तो वो वहाँ तक पहुँचा, वो रास्ता था। और आप अगर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ तक पहुँचेंगे, मुझे लगता है। अब अगर जैसे बात करें कि जैसे आप चारों लोगों ने ये डिसाइड किया कि आपने आर्ट फील्ड में जाना है, बट देन व्हाई आफ्टर जेजी ओनली? जेजी का क्या ऐसा खास बात है कि जेजी लाइक सानिका का मैं बताऊं तो लाइक सिंस आई गेस 7th या 8th क्लास से इट वाज क्लियर कि आर्ट में जाना है, एंड जेजी आई हर्ड द नेम फ्रॉम हर ओनली, तो वो कैसे व्हाई जेजी ओनली? जेजी अभी मेरा 10th हो गया था, मैं पहले से पेंटिंग कर रहा था, तो नाम था, मैं कर्नाटका में हूँ तो पहले मुंबई आता है, तो उधर नाम था जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, पहले से ही नाम था जे जे स्कूल ऑफ आर्ट। सभी लोग बोलते थे वो टफ है, जाना नहीं सकते, उसको ये होता है, इंटेंस होता है, तो जे जे मतलब क्या है कि उधर एटमोसफियर है कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट उधर से निकले हैं, क्योंकि वो टीचर्स बिना भी नहीं हो ना, वो स्टूडेंट का मोल रहता ना, अपने आप सिखाते हैं कि उधर टॉक शो होते हैं, और उधर का गैलरी है बहुत ज़्यादा, कि वो गैलरी मुंबई में बहुत सारे घूम सकते हैं, कि मुझे विदाउट टीचर भी हम सीख सकते हैं। वो मेन कॉलेज टीचर अच्छा होकर भी फायदा नहीं, वो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, आर्ट फील्ड की एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट करता है, वो एटमॉस्फेयर जे जे में बहुत है। कोई भी कोने में आप बैठ जाओ, हाँ, बस आपको पर्सपेक्टिव अच्छे से मिलेगा, आपको लाइट सोर्स अच्छे से मिलेगा, और ये एक्सपीरियंस जे जे ये उसी सोर्स से बनाया था कि आर्ट स्कूल बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, मॉडल बैठे हुए, एक सैटेलाइट कैसा आना चाहिए, और वो कंस्ट्रक्शन ऐसा भी आर्ट स्कूल का कंस्ट्रक्शन है प्रॉपरली। और अब जैसे आपने जे जे जो है वो ऑप्ट किया, मतलब और भी बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, अब एक स्टूडेंट नॉर्मल जैसे हम लोग चित्तौड़गढ़ में बैठे हैं, अगर चित्तौड़गढ़ का एक कोई स्टूडेंट ये टारगेट करता है कि मुझे आर्ट फील्ड में अपना करियर बनाना है या मुझे जे जे में जाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर? ओके, सो बेसिकली लाइक डेफिनेटली डिटर्मिनेशन चाहिए ही चाहिए कि ओके श्योर, क्योंकि बहुत वो एज ही होता है कि हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, कि मुझे ये करना है, ये करना है, बट लाइक इफ ही डैम सीरियस कि मुझे आर्ट फील्ड में है, तो डेफिनेटली रिसर्च इंपॉर्टेंट है। आप बस देखोते ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़, क्योंकि लिटरली हम स्कूल में थे, ओके ये चीज़ ऐसे यार क्या समझ में नहीं आ रही, बट जब आप उसको सेकेंड पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सपेक्टिव से देखते हो, तीसरी के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि ओके ये चीज़ में ऐसे है, देन पता चलता है। तो रिसर्च करो, गूगल है आपके पास, देखो कौन कौन से कॉलेजेस के क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे स्कोर्स है आपको, ओके कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स के डेट्स कब होते हैं, फॉर्म्स फिलअप्स कब करना है, ऑनलाइन के जो प्रोसीजर रहते हैं वो कैसे करना है, एंड देन वो क्राइटेरिया में आपको डेफिनेटली हमें 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनमें टोटल स्कोर्स कितना निकालना है, CET का रैंक इतने परसेंटेज तक रहता है, तो आपको जे जे में है, तो आप उसमें भी आपको बाद में क्लियर रहना है कि मुझे पेंटिंग लेना है या फिर स्कल्पचर लेना है, वैसे है। मतलब लकीली आपको फर्स्ट ईयर सब आपको एक्सपीरियंस करने मिलता है कि आपको कौन कौन से मीडियम में, एंड देन सेकेंड ईयर से आप डेफिनेटली अपने पर्टिकुलर वे में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे जैसे कि हर एक फील्ड है, जैसे कि इंजीनियर जो भी फील्ड है, तो उसका हर किसी का जैसे कि एक एंट्रेंस टेस्ट है, तो इसका भी एक एंट्रेंस टेस्ट है, और वेबसाइट कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी है, और इजीली इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है इसकी, बस ढूंढना, वेबसाइट तक जाना है उसका ढूंढना बाकी है, बाकी बहुत अच्छे से अब सब क्लियर है इस एग्ज़ाम के बारे में, और एक वो एंट्रेंस में आपको अपना 100% देना है, क्योंकि उसके स्कोरिंग पर आपका कॉलेज डिपेंड होगा कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। अगर आप सच में स्किल्ड है, अच्छे हैं, तो आपका टैलेंट आपको पक्का वहाँ पे लेके जाएगा, और जस्ट नॉट जे मतलब जस्ट यही कॉलेज नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और हर एक कॉलेज से मतलब अगर वो कॉलेज का कोई निकालेंगे, पास आउट्स निकालेंगे अगर आप, तो हर कॉलेज का कोई ना कोई आगे गया है, मतलब इंसान को कुछ मिलता है ना, वो वहाँ पे पहुँचने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेता है, बस उसको एक स्पेस, हर कॉलेज में आपको एक स्पेस मिलेगा, एक जरिया मिलेगा, बस आपको मेहनत करनी है और वो स्किल्स से आगे बढ़ना है, तो कॉलेज मैटर नहीं करता, आपको सीखना, आपको वहाँ पहुँचना, ये उम्मीद, जस्ट आपको एग्ज़ाम एंट्रेंस दीजिए, और लाइक आपको कॉलेज भी उसके हिसाब से आपके जितना परफॉर्मेंस देंगे मार्क्स से कॉलेज मिल जाएगा,
and succeed only. Like, even अपना वो first step as a elementary intermediate ले सकते हैं मतलब first decision उनका कि अगर उनको art surety करना है elementary start कीजिए 7th standard right 7th standard से उनका 8th standard में होता है वहाँ पे उनको grades दिया जाते हैं वो grade and वो certificate do matter करते हैं हमारे admission process के time पे एंड बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता तो आफ्टर एज आई मीन आफ्टर स्कूल आफ्टर कॉलेज के बाद भी वो एग्जाम्स देते हैं जस्ट टू चेक इट कि मेरा आर्ट स्किल्स कैसे है आई मीन इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता एंड कि बहुत अच्छा मीडियम है अपने आप को प्रूव करने के लिए किया दिस इज आई कैन डू इट जैसे बहुत सारे अभी बड़ौदा है शांति निकेतन है और जीजे है और ऐसा मत कीजिए हर चीज़ पे जगह भी बड़ौदा को बड़ौदा में बड़ौदा जाओ उधर का अलग एटमोसफेयर है उधर भी बहुत बहुत बड़ा कॉलेज है वो भी और शांति निकेतन तो उसका तो शांति निकेतन सबका एक अलग एसेंस है आई मीन आपको फील मतलब जाते ही पता चलता है रियलिस्टिक का फील आता है एकदम वो रियलिस्टिक में एकदम स्ट्रांग रहते हैं शांति निकेतन का सुना था कि वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अंदर जो पेंटिंग्स बनी है वो वहीं पर बनी है हां उधर का मुझे रविंद्रनाथ ठाकुर थे उधर का ये थे हां अभी उधर का प्रोफेसर सभी थे कि म्हणजे वो अपना स्कूल ऑफ आर्ट था पहले ब्रिटिश टाइम का था तो उधर का वो उनका वो अपना कल्चर पकड़ के बैठे थे इंडियन कल्चर हाँ बाकी सभी जगह टर्न हो रहा था जैसे वेस्टर्न का आर्ट हम प्योर आर्ट उनका था कि ये हमारा आर्ट है ये हम छोड़ेंगे नहीं उस टाइप पे उधर और जो जो मीडिया भी यूज़ करते थे नेचुरल कलर भी वो यूज़ करते थे इसलिए वो या कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स आपने शो करनी पड़ती है स्किल्स मतलब आर्टिस्टिक स्किल्स हाँ करना पड़ता है जैसे चार पेपर होते हैं स्टिल लाइफ मेमोरी ड्राइंग 2D डिजाइन एंड MCQs जनरल नॉलेज बेसिक आर्ट के पर्सपेक्टिव से आर्ट रिलेटेड जैसे पीस की साइन किसने इन्वेंट की है सत्यजीत रे की फिल्म से लेके ताजमहल के बिल्डिंग से लेके सब चीज आ जाए एक्चुअली एक साल में आप एकदम प्रैक्टिस जीजे के जो जीजे के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दिन में आप 25-40 स्केच डालो और एक एक लैंडस्केप करो एक एक मेमोरी दो दो मेमोरी ड्राइंग करो एक एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग करो इतना आप किया तो आराम को आराम से आप टू बी गुड एट आर्ट बिफोर यू थिंक अबाउट जीजे ऐसा नहीं कि वहां जाके आपने सीखना है आपके अंदर पहले से होना चाहिए एंड बेसिक जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं या जो पुअर फैमिली से होते हैं उन लोगों को आर्ट का एक्सपोजर उतना अच्छे तरीके से नहीं मिलता क्योंकि उनको ये बोला जाता है कि भैया पढ़ लो पढ़ने के बाद पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी और जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है फैमिलीज के अंदर तो इस तरह का प्रेशर नहीं होता तो वहाँ पर जो है वो जनरली आर्ट फील्ड में चलो वहाँ फिर भी वो कर सकते हैं पर अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज पुअर या फिर वो इस तरह के स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ रिसोर्सेज अच्छे नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए उसके लिए क्या ऑप्शंस हाँ बराबर जो गरीब आदमी जो पुअर स्टूडेंट रहता है उसको जहाँ अवेलेबल सीट मिलता है उधर जाता है मगर रिसोर्स अवेलेबल कम होने के कारण वो ज़्यादा खुद को एक्सपोज नहीं कर पाता मगर वो खुद को अपडेट कितना अपडेट करेगा और कितना घूमेगा या कितना या ओके उसको बाकी जो कॉलेज नहीं चाहिए उधर नहीं मिला मगर उधर जाके लोग बात करेगा तब अपना खुद को अपडेट कर पाएगा ना स्कॉलरशिप हाँ जस अभी बहुत सारे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है स्कॉलरशिप मिलेगा जस लोगों से बात करने के बाद मैं विदाउट घर से पैसा ले भी कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ जैसे बहुत सारे अभी आर्ट में घुसने के बाद और प्रैक्टिस होने के बाद फर्स्ट ईयर होने के बाद आपका हाथ में स्किल होता है आप बाहर का मुंबई का फायदा ऐसा है कि आप बाहर भी काम कर सकते हैं घर से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता एक एक लोग कैरिकेचर को जाते हैं एक लोग सेट डिजाइन को जाते हैं टैटूज के लिए भी टैटूज के लिए जाते हैं वो दिन में 1000-2000 कमा लेते हैं स्टूडेंट लेवल पे आप कमा के अपना काम कर सकते हैं मुंबई पे वो स्कोप ज्यादा है कि आप कोई भी आदमी आके गरीब आदमी आके खुद को आर्टिस्ट कभी भूखा नहीं बैठ सकता आर्टिस्ट कभी भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मेरे को एक इंसिडेंट याद है मतलब अभी ये पॉइंट निकला कि मेरे डैड एक्चुअली इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते थे एंड लिटरली मेरे मॉम एक बार उनके साथ बाइक पे ट्रैवल कर रही थी एंड एक रोड पे एक आदमी मेहंदी निकाल रहा था एंड मेरी मॉम ने बोला लुक आई मीन वो एक आर्ट है वो जेंडर उसका मैटर नहीं करता बट वो मेहंदी निकाल रहा है एटलीस्ट वो एक 5 रुपये कोन से डेफिनेटली 500 रुपये कमा सकता भूखा तो नहीं बैठ सकता
तब रियलाइज होता है कि नहीं एवरीथिंग मतलब हर चीज रिलेटेड है आर्ट से. एंड आपको बस पता रहना चाहिए कि यहाँ बोलो ना आप बस आग बंद कर दो, आप बस कुछ करो वो कुछ एक्सट्रीम आ जाए दैट्स एन टैलेंट कि आप लाइक आग बंद करके भी वो चीज कर सकते हैं. वैसे मेन और एक बात बताना है तो आर्ट फील्ड बहुत वास्ट, उसमें बहुत ही क्रिटेरियाज हैं और बहुत कुछ स्कोप्स हैं. अभी मेन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जिसको घर में आर्ट फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है मगर उसको घर को संभालना है उसको आर्ट फील्ड में जाने संभाल नहीं सकता, आप कमर्शियल आर्ट में जाओ. जो कमर्शियल आर्ट मतलब कम्युनिकेशन आर्ट एंड डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऐसे बहुत आर्ट रिलेटेड फील्ड है, चाहे तुम पैसा कमा सकते हो ऐसे सैलरी की जैसे मंथली सैलरी मिलेगा आपको वो बहुत हाई स्टैंडर्ड वाइज रहेगा उसमें घुसो. आपको तो आर्ट में जाना है और करियर बनाना आर्ट में उस पैसा नहीं है, बैकग्राउंड को आपको फैमिली को सपोर्ट करना है उसमें घुसो. एनिमेशन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, बहुत फिल्म मेकिंग में आता है, बहुत सेट डिज़ाइन आता है और वैसे अप्लाइड आर्ट में बहुत वास्ट फील्ड है कि आप पैसा कमाने पैसा भी कमा सकते हैं. मुझे फ्रीलांस आर्टिस्ट भी काम कर सकते हैं आप. फुल अपॉर्चुनिटी है, इंजीनियर डॉक्टर जैसे उनसे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें है आर्ट फील्ड. आई मीन ओके चलो आप इंजीनियर बन जाओ आप ओके सो बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत दूसरे फील्ड के जैसे अगर डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट अगर सिरेमिक में वो दांत भी लगा रहा है तो डेफिनेटली उसके पास आर्टिस्ट को पास उसके पास जाना पड़ेगा ताकि वो साइज का वो दांत बना के दे. अगर रहो किसी को प्रोटोटाइप बनाना है डेफिनेटली उसको डिज़ाइनर के पास आना है कि मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाना है, देन वो जाके क्योंकि जो टेक्निकल पार्ट या फिर जो मेथड होता है डेफिनेटली वो आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव पे ही रहेगा कि वो कैसे है. आपको पता है कि मुझे ऐसा बनाना है बट कौन से मीडियम में क्या उसको प्रोसेस रहेगा क्या उसको टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं वो एक आर्टिस्ट जब तक वो प्रैक्टिकली कोई करता नहीं तब तक रियलाइज नहीं होगा. तो वो एक लाइक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके इमेजिनेशन को रियलिटी में लाके रखना. और मैं अप्लाइड आर्ट में हूँ कमर्शियल आर्ट जहाँ स्टूडेंट एक इंडस्ट्री में काम करने और अपना आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए आते हैं या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आते हैं. वो उधर आप एक पास आउट होने के बाद एक एजेंसी में या इंडस्ट्री में आराम ज्वाइन हो सकते हो और आप मंथली सैलरी कमा सकते हो पैसा कमा सकते हो जिसको आप नौकरी आर्ट फील्ड में नौकरी करना है. इसके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आप मत सोचो कि जो भी आप पुअर स्टूडेंट है या आप बोलते हैं कि आर्ट फील्ड में मुझे करियर नहीं मिलेगा या पैसा नहीं कमा सकते इस फील्ड में जाओ आप आराम से बैठ के कमाओ और ज़्यादा कमाओ जो मन का चाहिए ना वो कमाओगे कितना मन से आप काम करोगे एक फील्ड में. अच्छा इसमें एक थोड़ा सा क्विक हम लोग लेंगे वो ये कि जैसे अभी आप लोगों का ग्रेजुएशन जो हो जाएगा आप दोनों का ग्रेजुएशन तो हो चुका है व्हाट आफ्टर दैट. अगर लॉन्ग टर्म हम लोग गोल की बात करें तो वो दिमाग में क्या सोचा है कि लाइक क्या करना है अल्टीमेटली लाइक मतलब जैसे कि आप आर्ट को जो है वो एंजॉय करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आखिरी मकसद हमारा पैसा कमाना या नौकरी करना होगा. तो वो जो एक लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या क्या हो सकता है. अभी अभी मेरा गोल तो पक्का है कि मुझे कुछ तो नेशनल इंटरनेशनल में आर्ट को प्रेजेंट करना है मेरा वो गोल है. अभी मैं क्या करूँगा मैं मास्टर कंप्लीट करूँगा जैसे मैं साइड में कि पैसा कमाना है तो मैं एक स्ट्रेटजी है कि इतना पैसा कमाऊँ जैसे डिजाइन में जाता हूँ. अभी ये होता है कमर्शियल आर्ट करता है जो फ्रीलांसली काम करता है वो महीने के लिए मैं 10-20 हज़ार कमाने का जैसा मैं स्ट्रेटजी रखता हूँ. उसके बाद जो भी काम है उसमें रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो मैं ज़्यादा फोकस उसमें डालता हूँ. देखता हूँ कि अभी नेशनल और इंटरनेशनल में आर्ट में क्या चल रहा है और मैं मेरा देश के थ्रू इंटरनेशनल में कैसे लेके जा सकता हूँ वो मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर मैं काम करता. ऐसा नहीं कि मैं जॉब पे जाऊँगा, मेरा ये स्ट्रेटजी मुझे कुछ इंटरनेशनल में आर्ट फील्ड में कुछ करना है वो मेरा स्ट्रेटजी है. अभी इनके लोगों का भी ऐसा और मेरा जो स्ट्रेटजी है क्योंकि मैं अप्लाइड से पास आउट हूँ मुझे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आए थे कि तुम मतलब किधर भी जाओ अब जॉब अपॉर्चुनिटी अप्लाइड में जाते हो जिसको अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मिलते हैं मगर मुझे किधर भी फॉर्म में या इंडस्ट्री में ज्वाइन हो के मैं उस टाइप में काम को नहीं करना था मगर मैं इंडिविजुअल मुझे पेंटिंग करना है पेंटिंग के लिए मुझे वक्त बिताना है क्योंकि एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी एंड एज ए आर्टिस्ट मैं एक सोसाइटी को किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या उनके लिए किस तरह मैं बेटर लाइफ दे सकता हूँ कि जीने का तरीका तो मैं आर्ट वर्क्स मैं बना सकता हूँ ना. मैं मेरा ब्यूटीफुल विजुलाइजेशन से एक जीने का तरीका लोगों को ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी जी हूँ कैसे मैं सोशल सर्विस कर सकता हूँ ना एज ए आर्टिस्ट मैं उस तरीके में सोचना चाहता हूँ और लोगों को एक प्रॉपर पीसफुल लाइफ कैसे हो सकता है तो मैं आर्ट वर्क मैं इस तरह कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इसलिए मैं एंटायर लाइफ इसमें बिताना चाहता हूँ. ओके आई मीन आफ्टर माय ग्रेजुएशन सो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. आई मीन डेफिनेटली
अगर आप अपना काम अपने 100% से देते रहे तो पब्लिक डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करेगी. एंड मेरे ऐसे भी प्लान्स है, जैसे अभी मैं सिरामिक कर रहा हूँ, बाद में मैं सोच रहा हूँ कि अपना मास्टर्स करूँगा. मास्टर्स के बाद मैं इंडस्ट्री में हार्डली लाइक 3 से 4 साल काम करूँ, अच्छे से लाइक स्टेबल इनकम करूँ, एंड लाइक जब लगे कि सफिशेंट है तो खुद का एक स्टूडियो हायर करके लाइक काम करना चालू. एंड डिमांड्स है, मतलब आप बस एक स्टूडेंट को फॉर 1 आवर सिखा दो आपका 1000-2000 वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. जस्ट इमेजिन कि लाइक बहुत सारे इनकम है, बस वो आप पे है कि आप अपने आप को कितना एक्सपोजर देना चाहते हो, पब्लिक से इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेशन करो. बहुत लोग इवन एज अ डॉक्टर थेरेपी के लिए लोग आते हैं एज एन आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए, सिरामिक बोलो, पेंटिंग बोलो, लैंडस्केप बोलो. जैसे हमारे कॉलेज में हॉबी क्लासेस भी है, बहुत लोग हैं जिनको कुछ नहीं लाइक समझ में आता, लाइक ये चीज़ उनको ऐसी लगती कि रिलैक्स और फील करवाना, बहुत चीज़ें हैं. तो आई मीन ये फील्ड में कोई ये नहीं सोचता कि मुझे कार करनी चाहिए, मेरे को बंगलो चाहिए, नहीं, बस आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट, स्टेबल इनकम, फैमिली स्टेबल हो जाता है, वो हमारे लिए काफी हो जाता है. वो सब आता है, आता है, डेफिनेटली आता है. हां डेफिनेटली आता है. और मैं इंटीरियर में हूं, सो कंप्लीट स्ट्रक्चर काम है मेरा. तो पहले तो मुझे एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 साल तो मुझे कंप्लीट कहीं पे एक्सपीरियंस लेना है, लाइक जॉब वी कैन से, बट एक प्रैक्टिस, जैसे कि एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है वैसे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोग रहने वाले, सो इट्स ऑब्वियसली. सो उसके बाद मैं खुद का एक फर्म सोच रही हूँ कि करूँ, बट एक जस्ट फॉर लाइक इनकम की एक स्टेबल इनकम. मैं खुद की फर्म और खुद के डिज़ाइन जो मैं सोचती हूँ, जो फ्रीली करना चाहती हूँ, वो मैं कर सकती हूँ जब मेरा कुछ फर्म होगा, कुछ होगा, क्योंकि फिर भी ये क्लाइंट बेस्ड ही होगा मेरा प्रोफेशन फॉर 2 ईयर्स. और उसके बाद वो फ्रीडम आने के बाद, उतना स्टेबिलिटी आने के बाद, उतना समझने के बाद, और फिर उसके बाद एक्चुअली मैं क्वेश्चंस उठाऊंगी कि अभी पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है लोगों का कर के वाइज, तो मेरे को इंटरेस्ट है कि लाइक वो जो पैसा है, जो स्टेबल इनकम का पैसा, इन प्रोजेक्ट्स में निकालने का कि लाइक कुछ कर सकूँ, कुछ अच्छी लाइफ. और जो इंडिया का जो है, मतलब ईटे और लाइक अभी कैसे कॉपी होता है आर्किटेक्चर भी कंप्लीट, जो बाहर का है, जो कंप्लीट हम यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करते हैं. तो फिर मुझे एक्चुअली इंडिया घूम के जो बेसिक है, जो यहाँ के लोग जैसे कि बैम्बू प्रीफर कर सकते हैं, तो मुझे एक ऐसा लिविंग करना है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है. और बहुत प्लान्स है कि सोशली प्लान्स है, तो मैं एक्चुअली इस सब में जाना चाहूँगी जब मैं एक स्टेबल कहीं पर हूँ, तो डेफिनेटली ये चूज़ करूँगी. बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सोच आप सब लोगों की, मतलब बारी बारी से मुझे तो ये समझ में आया कि हाँ ठीक है, हम आर्ट को लेकर देख रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड जो हम लोग सोच रहे हैं, तो वो हमारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सोशली कंट्रीब्यूट करने की जो है वो बात चीज़ जो है वो आ रही है. ये तो, और इसमें एट लास्ट जो है वो हम लोग कंक्लूड करेंगे, मतलब इस बात को एट लास्ट जो है वो आपका मैसेज जो है वो क्या होना चाहिए पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो तो कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स को आप क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चों को आर्ट फील्ड के अंदर जाने के लिए मोटिवेट करें या उनको इंस्पायर करें. ओके, सो पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके बच्चे को आगे क्या आर्ट फील्ड में क्या, इसमें जाने के बाद आगे फ्यूचर क्या है, सो जस्ट लुक अराउंड. आप जो पहन रहे हैं, आपने जो म्यूरल लगाया होगा वॉल पे, जो मेटल का कुछ वर्क होगा आपने घर में सजाया होगा, या एनीथिंग, आप बाहर गए होर्डिंग देखा, जो भी एडवर्टाइजिंग चल रही है, आप मूवी देख रहे हैं, पीछे का सेट देख रहे हैं, वो सब सब एक आर्टिस्ट करता है. आप कोई डिवाइस ऑपरेट कर रहे हैं, उसका डिजाइन लेके हमें शूट, तो हर एक यूटिलिटी वाइज जो एक डिज़ाइन डाला गया है एक आर्टिस्ट ने, तो ये सब आर्टिस्टिक इस फॉर्म को आप सीरियसली ले, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक अच्छा करियर है. सो बिलीव इन रोहना. और ये सभी फील्ड में ऐसे कॉमन लोग, टैलेंटेड लोग ही जाते, और वो ऐसा मत समझिए कि ये इसको टैलेंट नहीं करके, वो समझो उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो फील्ड में जा रहा है. और सर हम टीचर्स बोलते हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना है, नहीं है वो, उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट है, उसको भगवान ने एक्स्ट्रा टैलेंट दिया है कि वो उस फील्ड में जाए, कि सब्जेक्ट तो सारे लोग पढ़ रहे हैं, पर ये आर्ट जो है वो एक्स्ट्रा चीज है. दो में चार लोग ड्राइंग कर रहे हैं, नहीं तो एक काम कर रहा है, और जो ड्राइंग कर रहा है वो टाइम पास के लिए नहीं है, इट इज समथिंग जो अंदर से आ रहा है. और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आपको बच्चा कर उसके लिए फक्र महसूस करूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात होता है.
क्योंकि आपका फैमिली में या सराउंडिंग में इंजीनियर्स कितना है? 4 हैं, डॉक्टर 2 हैं और बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट 5 हैं, मगर आर्टिस्ट कितना है? कोई नहीं है। अगर वो बन रहा है उसके लिए सपोर्ट करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। इवन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बच्चे लोग भी ये कहना चाहता हूँ, ओके अगर उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तुम जाओ, तुम सपोर्ट ढूंढो, तुम साबित करके दिखाओ कि इस फील्ड में ये भी है और ये कर सकता है, आप दिखाओ। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? एक तरीके से ये नहीं होता, दोनों मिलने से होता है ना। मेरा भी एक सिंपल है, आई मीन आफ्टर ऑल आपको अपनी पूरी लाइफ जीनी है, सो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको आके बाद में खिलाने नहीं वाला, राइट? आप जो इन्जॉय करोगे उसमें डेफिनेटली आप अच्छे से अर्न करोगे, सो गो फॉर इट। आई मीन आपको लगता है चेंज करो, अलग स्ट्रेटेजी देखो, वही फील्ड में बहुत सारे मीडियम है, इसमें आप कभी थक ही नहीं सकते, आपको हर चीज़ एक इंटरेस्टिंग मिलेगी, हर चीज़ एंड में तो खुशी होना है। हाँ। खुशी में आएंगे सब लोग, सब पैसा कमाएंगे किसी लिए? खुशी के लिए। हाँ। ये पहले से खुशी मिली। हाँ। सीरियसली। और रही पेरेंट्स की बात, लाइक मे बी बहुत टाइम लगता है पेरेंट्स को कन्विंस करना, बट हो जाएगी यार, पेरेंट्स हैं। आई मीन आप बस अपना डिटर्मिनेशन दिखाओ उनको कि डैट आई कैन डू इट। एंड टीचर्स, मतलब बहुत मैंने बहुत नोटिस किया कि टीचर्स लाइक बहुत कंसर्न रहते हैं ये चीज़ों को लेके, बट आई मीन वो चीज़ उनको होप दिलाना होता है कि लाइक यू कैन, लाइक कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगी दैट डोंट गो फॉर इट, डेफिनेटली इफ यू फील इट यू कैन डू इट, दैट्स इट, सिंपल है ये। लाइक वो इम्पोर्टेंट है, टीचर्स आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, आई मीन पेरेंट्स, बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स स्कूल्स में लोगों के साथ स्पेंड करता है, डेफिनेटली टीचर्स आर मेन कि जो उनको इंस्पायर कर सके, लाइक गो फॉर इट एनीथिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात है, साथ में ये है कि एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो भी आप लोगों ने जो है टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए दिया। मेरे ख्याल में ये जो सारी जो बातें जो हम लोगों ने की यहाँ पर, अगर ये बातें अगर लोगों तक पहुँचेगी तो डेफिनेटली उनको जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप सब लोगों से हमने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। लाइक लिटरली आई मीन लाइक कहीं ना कहीं हम की कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमारे लिए बड़ी बात है, थैंक यू फॉर यू गाइस। आई मीन तो ये हम लोगों ने जो है सानिका से, रोहन, रोशन और पृथ्वी से हमने बात की, और आपने आर्ट फील्ड को जो है वो एक बहुत अलग तरीके से एक्सप्लोर किया, जो अगर हम लोग माने तो हमारे स्टूडेंट्स तक ये सारी जानकारी जो है वो नहीं है जो आपने जो यहाँ पर शेयर की। और डेफिनेटली अगर इस ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर उन बच्चों तक पहुँचेगा तो हो सकता है उनमें से ज़रूर आगे आने वाले टाइम में कोई ना कोई जो है वो आर्टिस्ट बनेगा, जे तक जाएगा, इवन और बड़े स्कूल के अंदर जाएगा, और हो सकता है उनका भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे। अगर आप को ये वीडियो जो है पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि एक से एक, मतलब उन चीज़ों के ऊपर हम लोग लेकर आएँ जो चीज़ें वाकई में सोसाइटी के अंदर ज़रूरत है। हमारा मकसद एंटरटेनमेंट करना नहीं है, बट हम चाहते हैं कि ठीक है, हंसी मजाक के साथ में, आनंद के साथ में हम लोग एक अच्छा मैसेज जो है वो भी लोगों तक जो है वो पहुँचाएँ। थैंक यू।